चैनल रागिनीज रूटीन ब्लॉग। आज है 6 अप्रैल शनिवार और आज से हो रहे नवरात्रि शुरू। तो आपने देखा होगा मैंने सुबह ही नवरात्रि की पूजा कर ली थी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाने की खिचड़ी के लिए मैंने ये 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। ये है 1 कटोरी मूंगफली जो मैंने भून ली थी और उसके अंदर डाली थी 2 हरी मिर्च और उसको मिक्सी में क्रश कर लिया है। ये है 4 उबले हुए आलू जो कि मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे। और ये है 1 कटोरी साबूदाना जो मैंने 8 से 10 घंटे पहले भिगो दिए थे। तो मैंने कढ़ाई पे रिफाइंड डाला हुआ है क्योंकि तेल में नहीं बनाऊंगी मैं, रिफाइंड में ही बनाऊंगी। जीरा डाला हुआ है और उसके बाद मैं आलू को फ्राई कर लूंगी हल्का सा। ये रेसिपी मैं जैसे बनाती हूँ ना अपने तरीके से वैसे ही शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप इससे अच्छी भी बना सकते हो। तो ये आलू को फ्राई करने के बाद हल्का सा ही किया है क्योंकि ये बॉयल है पहले से ही। तो उसके बाद मैं उसमें नमक ऐड करूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो वो भी नमक यूज़ कर सकते हैं। और ये जो क्रश की हुई जो ग्राउंड नट्स थी वो डाले हैं मैंने और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। साबूदाने की खिचड़ी में टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको पसंद होता है आप उस तरीके से ये बनाते हैं। और एंड में मैं डालूँगी साबूदाने, इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत इजी है और जल्दी से बन भी जाती है। मैंने देखा हुआ है बहुत लोग अलग अलग टाइप से भी ये बनाते हैं और अच्छी भी बनती है, पर मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली पसंद है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक लूँगी तो अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर डालूंगी, हरा धनिया, और मिक्स कर लूंगी। आप भी जिस तरीके से बनाते हो जो भी सजेशन हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना तो मुझे भी पता चले कौन कौन सी बातें मैंने इम्प्रूव करनी है। और गैस ऑफ करके ये मैंने नींबू डाला हुआ है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं तो अगर टमाटर ऐड कर रहे हो तो नींबू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नींबू मैं हमेशा गैस ऑफ करके ही डालती हूँ किसी भी चीज़ में। तो ये बन चुकी है खिचड़ी साबूदाने की। तो आपको अगर पसंद आई है तो ये वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है या नहीं। कोई सजेशन हो तो ज़रूर मुझे बताना। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? और मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो मैंने आप सबके साथ यही शेयर किया है। हो सकता है आप सब अलग अलग तरीके से बनाते हो, इससे भी अच्छी बनाते हो। तो आप सबके घर में सुख शांति रहे, सबको हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ और जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके उतना शेयर करना। तो चलो जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।